क्वेश्चन नंबर 25 देख रहा हूं। एक आवासीय गृह संबंधी स्वामी है जिसमें दो यूनिट है, यूनिट वन और यूनिट टू। यूनिट वन में एक खुदरा दास का परिवार रहता है, यूनिट टू को किराए पे देके रखा हुआ है। ठीक है, एक देखो दो यूनिट है, एक यूनिट में खुद रहता है और दूसरे यूनिट को किराए पे देके रखा हुआ है। ठीक है, जिसपे 7,000 रुपए किराया आता है, एक यूनिट एक महीने के लिए खाली पड़ा था, जो दूसरे नंबर का जो यूनिट है वो एक महीने खाली था, मतलब 11 महीने का किराया मिला हुआ है। ठीक है, संपत्ति का नगर पालिका मूल्य जो है 125,000 रुपए, जिसका मानक किराया है 135,000 रुपए, उचित किराया 150,000 रुपए। सारा चीज दिया है, नगर पालिका मूल्य भी दिया, मानक किराया भी दिया और उचित किराया भी दिया हुआ है। नगर पालिका कर दिया है 12% की दर से लगाया गया, जिसे ए ने दिया है, मतलब मकान मालिक ने दिया है। 2019-20 के खर्चे दिए, मरम्मत का नहीं माइनस करते, बीमा का 5-6,000 रुपए भी माइनस नहीं होता, रिपेयर भी माइनस नहीं होता, इंश्योरेंस भी माइनस नहीं होता। उसके बाद वो क्या किया, LIC से 12% के हिसाब से 8,00,000 रुपए का लोन लिया है 1/7/2016 को, और घर का निर्माण कार्य है 30 जून 2018 को पूरा हो गया। ऋण अभी भी अदत है, ऋण का पेमेंट हुआ नहीं है, लोन का पेमेंट कोई बात नहीं, चाहे पेमेंट हो चाहे ना हो हमको डिडक्शन मिलता है, पर अगर नगर पालिका कर म्यूनिसिपल टैक्स का पेमेंट नहीं होगा तो नहीं मिलता। ठीक है, तो पहले नोट्स बना दें हम लोग। ठीक है, तो वर्किंग नोट इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, फॉर कंस्ट्रक्शन पीरियड है ना, और कंस्ट्रक्शन पीरियड, ठीक है। इसमें हम लोग फर्स्ट पॉइंट लेते हैं डेट ऑफ लोन टेकन, लोन कब लिए, डेट ऑफ लोन टेकन, लोन लिए कब है। बी पॉइंट डेट ऑफ हाउस कंप्लीट, मकान बना कब है, हाउस कंप्लीटेड, ठीक है। तो लोन लिए हम लोग 1/7/2016 को, LIC से लोन लिए 1/7/2016 को, और मकान जो हमारा बनकर तैयार हुआ है वह 30 जून 2018, 30 जून 2018, अब 30 जून 2018 जो है वो आता है 18-19 में, 30 जून 2018 किसमें आता है, 18-19 में आता है, 17-18 या 18-19 जो ऑप्शन हमारे पास होता है। तो अप्रैल से दिसंबर का डेट दिया हो तो 18 दिया तो 18-19 लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे 18-19 में, तो इसका हम लोग 31 मार्च लेते हैं। कुछ बच्चे अभी भी गलती कर रहे हैं, अगर 30 जून है तो यहाँ से यहाँ तक का डेट लेते हैं, अगर यहाँ से यहाँ तक का डेट लेना तो मुझे ये समय लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ता, शॉर्टकट में लिख लेता मैं, ठीक है। जिस साल कंप्लीट हो रहा है उसके पिछले प्रीवियस ईयर तक कर लेते हैं, मतलब 18 को मकान कंप्लीट हो रहा है तो इसका 31 मार्च तक लेते हैं डेट, है ना, ठीक है। यहाँ से 1/7/2016 जिस दिन लोन दिए उस दिन से 2016 को इसका 31 मार्च ना, 31 मार्च 2018, कितना महीना होगा, 21 मंथ होगा आई थिंक, 21 महीने होगा, 9 महीना और 12 महीना 21 महीना होगा, ठीक है, क्योंकि 2016-17 में जुलाई से मार्च तक काउंट करोगे तो 9 महीना और 2017-18 में 12 महीना, टोटल हो गया 21 महीना, ठीक है। तो इंटरेस्ट निकाल दो, इंटरेस्ट इज इक्वल टू कितना लोन लिया है, 8,00,000 रुपए, 8,00,000 का 12% एक साल का, 21 महीने का 21/12 आया, ₹1,68,000 आया, ठीक है। चलो मैं बनाते हैं इसका, अच्छा तो बदल कर जाए, 1,68,000 रुपए ब्याज की राशि, ब्याज की कटौती क्या बोलते हैं, कटौती, ठीक है, 5 वार्षिक
किस्तों में दी जाएगी ना, लिखी जाएगी जो भी किस्तों में मिलेगी या दी जाएगी जो भी है, ठीक है। तो 2018 में मकान बनकर तैयार हुआ, 2018-19 में मकान बनकर तैयार हुआ है, 2019-20 और इसमें हम लोग राइट मारते हैं, यहाँ पे खत्म नहीं होता, वो 2020-21, 2021-22 और 2022-23 पांच साल, ठीक है। इस पांच साल में हमको 168,000 रुपए का 1/5 कितना रहा है, 33,600 रुपीज, ठीक है। ये भी वही आ जाएगा 168,000 का 1/5, ऐसा जरूरी नहीं है आप एक बार लिख दो, बाकी सब 33,600 लिख दो तब भी चलेगा, 33,600 जिस साल हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बीस दिन में मिलेगा, ठीक है। आगे हम सॉल्व करते हैं, हम लोग यहाँ पे ये हमारा वर्किंग नोट कंप्लीट हो गया, अब हम लोग फाइनल आंसर बना लेते हैं। पर्टिकुलर अमाउंट क्वेश्चन नंबर 25 17 से निकले ना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास दो यूनिट है, फर्स्ट यूनिट में स्वयं रहता है वो ना, तो देखना हमारा ये है फर्स्ट यूनिट क्या है, स्वयं रहता है ना, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, ठीक है। इसमें वो स्वयं रहता है और स्वयं रहने वाला का ग्रॉस एनुअल क्या रहता है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू निल, दो चीजें माइनस करते थे और एक चीज बस ब्याज बस माइनस करते थे, लेस हमारा डिडक्शन जो है डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 इसमें आएगा हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। इसमें भी पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन पीरियड का और दूसरा है करेंट ईयर का, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन पीरियड कितना आएगा, 33,600 रुपए नहीं आएगा, इसका आधा आएगा 1/2, 16,600 रुपए, 800 रुपए, ठीक है। दूसरा करेंट ईयर मतलब कितना है, लोन 8,00,000 रुपए लोन है, 8,12,96,000 कितना आएगा टोटल, ये आएगा 30,000 रुपए, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट 30,000 का से ज्यादा नहीं है, भूल मत जाना, तीसरी बार बता रहा हूं मैं, चौथी बार ऐसा है, क्वेश्चन नंबर 10, 11 और पहले भी आए थे बीच में भी, और ये चौथी बार है, मैक्सिमम लिमिट 30,000 मिलता है, उससे ज्यादा का छूट आपको नहीं मिलेगा, कौन से मकान पे, जहाँ पे स्वयं रहते हैं, ठीक है ना, लेकिन यह पूरा मिलेगा, क्यों, क्योंकि ये पुनर्निर्माण के लिए रिपेयर के लिए नहीं है, पूरा 2,00,000 रुपए तक छूट मिलता है। अब 30,000 सोची मत आ जाना, ठीक है, कंफ्यूज भी कर रहा हूँ तो उसका इलाज भी बता रहा हूँ, ठीक है। आप अगर यहाँ पे सोचोगे हाँ भाई स्वयं रहते हैं, सबको बताए थे, याद आ गया हमको, 30,000 माइनस करके आ गए, तो गलत हो जाएगा। अगर हम लोग हाउस बनाने के लिए लिए हैं या फिर हाउस खरीदने के लिए ले रहे हैं, नए घर बनाने के लिए नए खरीद रहे हैं, तब पूरा 2,00,000 मिलता है, ठीक है। स्वयं के रहने मकान पर ना सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले में स्वयं रहते हैं तब, अगर स्वयं नहीं रहते हो तो किराए में दिया तो कितना भी ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमको मिलेगा 16,96,000 कितना हो गया, 1,12,000, तो 2,00,000 से कम है ये, तो पूरा मिलेगा 1,12,800 पूरा मिल गया, ठीक है। इसके बाद सेकेंड यूनिट ट्राई करो, बनता है तो ठीक, नहीं बने तो मैं बताऊंगा। 96,000 का भी 1/2 आएगा ना, तो 12/100 इंटू 1/2 कर देना तो आपका आ जाएगा 48,000, 48 और 16 को ऐड करो कितना आ रहा है, 64 आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 64 है ना, ठीक है।
सेकेंड यूनिट इसका म्यूनिसिपल वैल्यू दिया है ए पॉइंट म्यूनिसिपल वैल्यू, बी पॉइंट फेयर रेंट और सी पॉइंट स्टैंडर्ड रेंट, तीनों दिया हुआ है। म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, ठीक है, नगर पालिका मूल्य, उचित किराया और मानक किराया, तीनों दिया इस मकान का, ठीक है। अब तीनों को दिया हुआ है तो उसके हिसाब से हम कैलकुलेशन करते हैं। नगर पालिका मूल्य दिया 1,25,000, पूरे मकान का दिया है, आधे भाग में कहां मिलते हैं तो किराए का भाग कितना होगा उसका हाफ 62,500, ठीक है 62,500। फेयर रेंट है ना 1,50,000 है, इसका हाफ 75,000 आ जाएगा, अब आएगा 1,35,000, इसका हाफ आ जाएगा 67,500। तो ए और बी में जो ज्यादा है पर इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ बोलो बेटा 67,500, ठीक है, ये हो गया हमारा एक्सपेक्टेड रेंट, ठीक है। चलो जा देखना, ठीक है, म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट दोनों में से जो ज्यादा हो 62,575, दोनों में से जो ज्यादा हो पर स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों में से कंपेयर करते हैं तो ये ज्यादा है 75,000 पर 67,500 से ज्यादा नहीं होना चाहिए तो 67,500, अगर ये 65,000 होता तो 65,000 लिख देंगे, इससे ज्यादा नहीं था, ठीक है। यहाँ पे ए और बी मतलब ये ए पॉइंट और बी पॉइंट दोनों में से जो ज्यादा हो विच एवर इज मोर बट नॉट मोर देन सी, सी से ज्यादा नहीं होना चाहिए, स्टैंडर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड पॉइंट एक्चुअल रेंट जो रियल में मिला है 11 महीने का, एक महीने मकान खाली था, 7,000 के हिसाब से 11 महीने का 77, तो उसको भी रूल चेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी ज्यादा है ये, तो दोनों में से जो ज्यादा है वो ग्रॉस एनुअल वैल्यू बन गया हमारा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू 1 और 2 विच एवर इज मोर, दोनों में से जो ज्यादा हो, ये दोनों में जो ज्यादा हो, ठीक है, विच एवर इज मोर। फिर इसमें लेस करेंगे म्यूनिसिपल टैक्स, नगर पालिका का तुम माइनस कर देंगे, ठीक है, नगर पालिका का जो पटाया है वो 1,25,000 का 12% पटाया है पूरे मकान का, आधे भाग में तो स्वयं रहता है वो, तो आधे भाग का छूट उनको मिलेगा, ठीक है, 12% के हिसाब से आप डायरेक्ट इसका भी ले सकते हो 62,500 का ले सकते हो, ठीक है 62,500 का 12% कर दो, कितना आ रहा देख लो 62,500 का 12% निकाले 7,500 रुपए, अनरियलाइज्ड तो है नहीं, इसमें जिसको माइनस करना है 69,500, ठीक है। अब इसमें हम लोग 30% माइनस करेंगे और इंटरेस्ट माइनस करेंगे, ये 16,800 और 48,000 जो है पूरा इतना इतना था दोनों का, इसका आधा यहाँ माइनस किए हैं तो आधा यहाँ माइनस करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक मकान में आधा इसका था आधा ये था, दो यूनिट था ना एक मकान में, मान लो दो यूनिट है, मान लीजिए हम नीचे का फ्लोर है ऊपर का फ्लोर है दोनों सेम सेम है तो सेम से माइनस कर देंगे यहाँ पे, इसको हम लिखते हैं एनुअल वैल्यू, एनुअल वैल्यू, ठीक है, लेस करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 ए पॉइंट 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, 30% निकाल दो 69,500 का, कितना 850 और उसके बाद बी पॉइंट इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन 1 और 2, ये सिर्फ कंस्ट्रक्शन पीरियड का करंट ईयर का है ना, कंस्ट्रक्शन पीरियड का करंट ईयर का, ठीक है, या जाएगा सेम वही आएगा 16,800
48,000 हो जाएगा आपका 85,650 ठीक है, माइनस करो इसमें से इसको, यह क्या हमारा 20,850 माइनस में आ रहा है ठीक है। इसको और इसको जोड़ दोगे आप कितना आएगा, 16,150 आया ठीक है। अब 16,150 और 64,800 माइनस कर दिया जाएगा 950, 80,950 माइनस में आ रहा ठीक है। ये आ गया हमारा लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ठीक है। उसके बाद उसकी अन्य आय भी दी हुई देखना ना, उसकी अन्य आय दी हुई है आपको 2,00,000 रुपए अभी तक देखना ये क्या हमारा ठीक है। ये फर्स्ट इनका हाउस प्रॉपर्टी का था, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स दिया था 2,00,000 रुपए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स 2,00,000 रुपए दिया, क्वेश्चन देखना लास्ट में 2,00,000 रुपए दिया हुआ है। अब आपका 2,00,000 रुपए इनकम है और 80,950 लॉस है हाउस प्रॉपर्टी का, इसमें से एडजस्ट करने के लिए आ जाएगा 1,19,000 ठीक है। यह क्या हमारा टोटल इनकम ठीक है, टोटल इनकम आ जाएगा हमारा 1,19,050 रुपीज। उसने मकान के निर्माण के गृह निर्माण मंडल से ठीक है 12% के हिसाब से 2,00,000 का इंटरेस्ट लोन लिया है, जिस पर गत वर्ष में देय ब्याज 24,000 रुपए है और जिसमें 20,000 रुपए ब्याज चुकाया है। मकान बना कब है ये क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, है ना। मकान कब बन के तैयार हुआ, कब लोन लिया नहीं लिया है। अगर हम लोग ये देखें कि जुलाई 2009 में बड़ा मकान बनाया है तो लोन लिया कब है, तो इसकी जरूरत हमको इस क्वेश्चन में नहीं है ठीक है, ये लाइन की हमको जरूरत नहीं है। तो उसके हिसाब से फिर हम लोग आगे बना लेते हैं, तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा है यहाँ पे पॉइंट नंबर ए बोल सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट 25% सेल्फ ऑक्यूपाइड है ना, सेल्फ ऑक्यूपाइड ठीक है। इसमें हम लोग ग्रॉस एनुअल वैल्यू लेते हैं नील, अब माइनस करते हैं इंटरेस्ट हम लोग डिडक्शन, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन जो है 2,00,000 का 12% के हिसाब से 24,000 रुपए होता है ठीक है, 24,000 रुपए 24,000 का इसका 25% है, 25 पोर्शन लिख देना है हमें, 25 पोर्शन मतलब भाग 25% था ना सेल्फ ऑक्यूपाइड ठीक है। तो इसका लोन कितना दिया 24,000 ठीक है, 24,000 दिया है लोन होता है, 20,000 का पेमेंट किया लिखा है, हमको पेमेंट कितना किया उसका मतलब नहीं, लोन कितना होता है 24,000, 24,000 का 25% 6,000 रुपए और 6,000 रुपए बाहर माइनस में ठीक है। फिर बी पॉइंट, बी पॉइंट जो है 25% पोर्शन यूज फॉर ओन बिजनेस, क्या लिखा है स्वयं की ना और ओवन ऑफिस यूज नहीं करता ठीक है, बस इंग्लिश में लिखा हुआ क्या लिखा है सेल्फ ऑफिस ठीक है, फॉर सेल्फ ऑफिस ठीक है। इसके बारे में आप नोट लिख सकते हैं, मैं यहां लिखता हूं नॉट कवर्ड, कवर्ड अंडर दिस हेड या नॉट टैक्सेबल अंडर दिस हेड, इसमें हम लोग इसका कैलकुलेशन नहीं करते, उसको दूसरे में करते हैं क्या डैश करना, नील पर लिखना डैश, स्वयं के बिजनेस के लिए स्वयं के ऑफिस के लिए यूज करें तो उसको कवर हम यहाँ पे नहीं करते,
3.50% पोर्शन, ठीक है, लेट आउट। इसका डिटेल लिखा तो लिख सकते हो, 25% पोर्शन फॉर रेसिडेंशियल पर्पस, ठीक है, रेसिडेंशियल पर्पस, ठीक है, पर्पस एंड 25% पोर्शन फॉर कमर्शियल पर्पस, ठीक है, ठीक है। ये हो गया हमारा हेडिंग। हेडिंग के बाद इसके बाद हम लोग लिखेंगे, शुरू से देखते क्वेश्चन में क्या क्या दिया था। म्यूनिसिपल में दिया था 80,000 पूरे मकान का, ए पॉइंट, ठीक है, कैपिटल सी कैपिटल भी है, म्यूनिसिपल वैल्यू, बी पॉइंट फेयर रेंट, और सी पॉइंट स्टैंडर्ड रेंट। फेयर रेंट क्वेश्चन में नहीं दिया है, म्यूनिसिपल वैल्यू दिया है, म्यूनिसिपल वैल्यू क्वेश्चन में दिया है, 80,000 तो दिया हुआ है, 80,000 का 50%, ये 50% पोर्शन ले रहे ना, 40,000 रुपये फेयर रेंट नील, स्टैंडर्ड रेंट पूरे मकान का दिया हुआ है हमको 90,000 रुपये, इसका 50% पोर्शन 45,000। तो ए और बी में तो जो ज़्यादा हो, पर ये सी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ए और बी में जो ज्यादा पर इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 40 आएगा, ठीक है। ये बन जाता है हमारा एक्सपेक्टेड रेंट, संभावित किराया, ठीक है, ए और बी विचएवर इज मोर बट नॉट मोर देन सी, ठीक है। सेकंड पॉइंट, एक्चुअल रेंट, दोनों मकान को किराए पर दिया है 2000 2000, ठीक है, 2000 प्लस 2000 टोटल 4000, और 4000 का 12 महीने के हिसाब से 48,000 रुपये। पहले देख लो क्वेश्चन में कहीं मकान खाली तो नहीं था बीच में, कहीं भी खाली तो नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। अब दोनों में से कौन सा ज्यादा, 48 ज्यादा है, ये 48,000 रुपये या जाएगा हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ठीक है। इसके बाद फिर आप लोग म्यूनसिपल टैक्स माइनस कर दो, 182 करके लिख लेना इसको, ठीक है, म्यूनसिपल टैक्स पेड, ठीक है, म्यूनसिपल टैक्स कितना दिया इसका, 12,800 रुपये, जिसमें वास्तविक भुगतान राशि कितना है 9,000 है, तो 9,000 ही माइनस होगा, ठीक है, और 9,000 का आधा लेंगे, जितना रियल में पेमेंट हुआ है उतना ही लेते हैं ना, 4,500 रुपये माइनस करो तो आ जाएगा 43,500, ठीक है। फिर इसका 30% निकाल दो, और इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन 24,000 का 25% यहाँ लिए थे, यहाँ 50% लेंगे तो आएगा हमारा 12,000 आ जाएगा, अगर 30% कितना रहा है 13,050, ये दोनों को जोड़ दो तो आ जाएगा 25,050, माइनस कर दो, ना 18,450 रुपये हमारा इनकम आया, ठीक है। इसमें क्या रहा 18,450, और 6,000 का हमारा लॉस था, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 12,000 हमारी इनकम आ जाएगी, 12,450 हमारी इनकम आ गई। यह आ गया हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी।